नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। पुलवामा के अवंतीपुर में सीआरपीएफ काफिले पर हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए और ये हमला 14 फरवरी को हुआ। उसी के बाद भारत और पाक के बीच सीमा के साथ ही साथ दिल्ली से इस्लामाबाद तक तनाव बढ़ गया। इसी आतंकी हमले के बाद दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश भारत के साथ इस दुख की घड़ी में मजबूती के साथ खड़े रहे। तभी ये बात समझ में आ गई थी कि इस बार तो ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकलने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ही दुनिया भर में आतंक का पर्याय है और यही आतंक फैलता रहता है। इसी का आधार मानते हुए दुनिया भर में आतंकी फाइनेंसिंग को रोकने के लिए काम करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। ये फैसला इस अक्टूबर तक जारी रहेगा। यदि इस दौरान पाकिस्तान अपने रवैये में बदलाव करता है तो उसे हटाने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन कुत्ते की दुम पाकिस्तान ने फिर अगर अपनी हरकत नहीं छोड़ी तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सालाना मीटिंग में एक बार फिर फैसला लिया जाएगा। यही नहीं, पाकिस्तान ने गुरुवार शाम को आखिरी वक्त में हाफिज सईद के आतंकी संगठनों जमात उद दावा और फलाह इंसानियत को बैन कर आतंक के खिलाफ कार्रवाई का संदेश दुनिया को देने की कोशिश की। लेकिन पूरी दुनिया पाकिस्तान की गिरगिट जैसे रंग बदलने की कहानी जानती है और ये प्रतिबंध का पाकिस्तान के लिए धरा का धरा रह गया और पाकिस्तान पर प्रतिबंध लग गया। पुलवामा में सीआरपीएफ पर पाक में सक्रिय आतंकी संगठन की ओर से हमला किए जाने के बाद भारत ने भी कहा था कि उसे इस लिस्ट से हटाया नहीं जाना चाहिए। यहां तक कि भारत ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की थी, लेकिन इस संबंध में उसे राहत दे दी गई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि अक्टूबर 2019 तक यदि पाकिस्तान उसकी 27 मांगों पर काम नहीं करता है तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इस दौरान भारत ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को आतंकी संगठनों को फाइनेंस करने की जानकारी देनी चाहिए। इस दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस बात को लेकर पूरा जोर दिया कि उनके देश को ग्रे लिस्ट से बाहर किया जाना चाहिए, लेकिन फाइनेंस के अधिकारियों ने एक न सुनी और अपनी बात पर अड़े रहे। बता दें कि फ्रांस ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि वो मीटिंग के दौरान पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बनाए रखने की बात कहेगा। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आतंक की खेती होती है और आतंक ही खाया जाता है। ना ही वहां पर कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल हुआ है और ना ही कोई दुनिया का बड़ा फोरम आया, जबकि खेल से लेकर हर क्षेत्र का बड़ा फोरम भारत आया, भारत से बात किया और भारत से खुश होकर भारत का गुणगान करते हुए अपने देश गए। ये तभी होगा जब आप सही और सकारात्मक सोच के साथ सभी को एक जैसा समझ के एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ने का काम करते हैं। लेकिन जब आपकी भाषा ही निकृष्ट और घटिया हो तो आपसे कौन बात करेगा। और आजकल पाकिस्तान भी यही कर रहा है और इसी वजह से पूरी दुनिया उससे नफरत करने लगी है और पूरी दुनिया में वो अलग थलग पड़ गया है। सबसे पहले मैं पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है।
मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं, उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में, हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है, देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बेहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को यह भी लगता है वह ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का
आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। आतंक से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मत, एक स्वर, एक दिशा से चलेंगे तो आतंकवाद कुछ पल से ज्यादा नहीं टिक सकता है। साथियों, पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्थिति और माहौल दुख के साथ आक्रोश से भरा हुआ है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा या देश रुकने वाला नहीं है? हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिंदगी लगाता है। पहला, देश की सुरक्षा, दूसरा, देश की समृद्धि। मैं सभी वीर शहीदों को, उनकी आत्मा को नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए मैं फिर एक बार विश्वास जताता हूं कि जिन दो सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहूत किया है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपा देंगे।